मॉर्निंग मैडम, क्लास की ओर बढ़ते हुए। और ये देखो हम लोग का क्लास टू का बच्चा क्लासरूम के लिए अपना लकड़ी ले जा रहे है। क्लासरूम के लिए ले जा रहा है। हाँ, तो जिंदगी ऐसे ही हमें तकसंग है ना। बर्फ में तो हम मत पूछिए, एकदम हालत खराब हो जाता है। ये सब बच्चे देखिए अपना अपना क्लासरूम के लिए लकड़ी इकट्ठा करके, दे आर कलेक्टिंग फायरवुड फॉर देयर ओन क्लासरूम्स। गुड मॉर्निंग। और दे विल शिवर विद कोल्ड। ओके ओके, तो यहाँ में रहना है और ड्यूटी तो करना ही है, साथ ही साथ यहाँ पे सरवाइव करना भी बहुत बड़ा बात। तवांग जाने का रास्ता भी सब ब्लॉक हो चुका है, तो चलते हैं क्लासरूम की ओर। वाओ, बकरे जलाए नहीं जलाए? बकरे जलाए क्या? तो ये हमारे तकसंग स्कूल के ग्राउंड में, क्योंकि एक हफ्ता से बहुत जोरदार बर्फबारी हुआ है हमारे स्कूल में, तो आज सैटरडे है, तो बच्चों ने आज क्या बनाया ये देखिए। ये है नंदी, और टीचर्स और बच्चे सब व्यस्त है खेलने में। पीछे में बहुत सारे मूर्ति बनाए हैं, और वहाँ पे एक स्तूपा के साथ में एक छोटा सा बुद्ध का मूर्ति भी बनाया है बच्चों ने और टीचर लोग ने मिल के। बहुत सारे आकृति बनाए हुए हैं और टीचर और बच्चे सब बिजी है इस ठंड के मौसम में भी, एक एंजॉय करने का मौका ढूंढ लिया बच्चों ने और टीचर ने यहाँ के। तो घबराना नहीं है इस बर्फबारी में भी, ठंड में भी, कैसे भी परिस्थिति हो हमें एंजॉय करना चाहिए, फुर्ती करने का मौका ढूंढना चाहिए।